राहिल के नाम से ही लगता था कि वो जल्द रह लग पाएगी। परवरदिगारा, इसकी जुदाई पर मुझे सब्र अता फरमा। बाबा जान, कनान के लोग आ गए। अब क्या फायदा? कहाँ है वो? उस तरफ है। जल्दी करो, मेरे साथ आओ। मेरे खुदाया, सलाम नबी खुदा। सलाम। देर कर दी बहन, बहुत देर कर दी। वो राहिल थी। हाय मेरे खुदा। दोनों देरीना दोस्त हैं। इस किस्म के मसाइब हमारे लिए नए नहीं। हम इस मुसीबत में भी खुदा की पनाह मांगते हैं। तुम यकीनन लिया हो, राहिल की बहन तुमको ताजिया पेश करती हूँ। देख रहे हो बेटा, जहां तुमने कदम रखा है कारवासराय से ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ लोग आते हैं, चले जाते हैं। खुश आमदीद तुम्हारे कदम मुबारक। इसके कदम ना मुबारक है ना मुबारक। इसका नाम बिन अनी है, नहुसत का बेटा। ये मेरी बहन की मौत का बाहर बना। बस करो, बस भी करो। मौत और जिंदगी किसी और के हाथ में है, इसमें बच्चे का क्या कसूर है? बिन अनी नहीं, बिन यामीन। फरसन दस्तेरास्त, ये अपने बाबा का दस्तेरास्त होगा। तुम कौन हो मेरी जान? यूसुफ, राहिल का बेटा। तो तुम राही की निशानी हो। सबसे पहले तुमसे ताजियत करनी चाहिए। मेरी मां, मां। परवरदिगारा, राहिल की रूह को गरीक़ रहमत फरमा। राहिल की रूह को गरीक़ रहमत फरमा। आमीन, आमीन। कहते हैं खुदा जिसे भी ज्यादा चाहता है वो उसे अपने पास बुला लेता है।
रुपए की जान, तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ खुदा के पास है। जानता हूँ, खुदा ने उनको अपने पास जन्नत में बुला लिया है, लेकिन मैं उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं खुदा से दुआ गो हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हें और तुम्हारे बाप को सब्र जमील अता करे। फाइका पप्पू, क्या जन्नत यहाँ से बेहतर जगह है? हाँ मेरी जान, बेहतर है। तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो। मेरे बच्चे, खुदा तुम्हें सलामत रखे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। मुझे इस बच्चे के खूबसूरत चेहरे और दिलनशीन बातों में जो ये कर रहा है बुजुर्गी के आसार नजर आ रहे हैं। ये अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा होशियार है, जो कि नाकाबिल यकीन है। बस करो बहन, बस करो। यूसुफ भी अपने दूसरे भाइयों ही की तरह है, उनसे मुख्तलिफ नहीं है। यूसुफ का चेहरा और इसकी बातें मेरे लिए दिलनशीन है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी परवरिश की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो, शायद इस तरह इसकी माँ की कमी को कुछ कम कर सकूं। मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं उसके बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस ना होने दूंगी। अपने दूसरे बच्चों की तरह इनकी भी परवरिश करूंगी। लेकिन तुम अपने इतने बच्चों के साथ कैसे कर सकोगी? ये मुमकिन ही नहीं। मैं इजाजत नहीं दूंगा कि ये लम्हे भर के लिए भी मेरी निगाहों से दूर हो। वो शहर जहां आखिरी उम्र तक रहना है। आ गए, याकूब नबी का काफला आ गया, आ गया याकूब नबी का काफला आ गया। खुश आमदेद, नबी खुदा के कदम मुबारक हों। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। आप पर जो मुसीबत टूटी, हमें उसकी खबर न थी। खुदा आपको सब्र जमील अता करे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है और हम इसकी रजा में राजी हैं। खुश आमदीद, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। खुशामदीद, 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 खुशामदीद। ये राहिल का बेटा यूसुफ है ना? खुशामदीद। देखो इनका बेटा यूसुफ कितना खूबसूरत है।
बहन, हमारे बाबा इसहाक नबी का मकबरा कहाँ है? तुम जानते हो, वहीं जहाँ हमारे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनकी जोजा का मकबरा है, और हमारी माँ रफा की कब्र भी वहीं है। पहले मैं उनकी ज्यारत और उनके साथ अहद का इरादा रखता हूँ। लिया, सबको खबर कर दो कि मिलकर वहाँ जाएंगे। यहूदा, लावी, बिस्मा, जो अमानत मैंने तुम्हारे सुपुर्द की थी वो ले आओ। हम अपने बाबा इसहाक के मजार पर जा रहे हैं। खुदा का दुरूद हो इब्राहिम पैगंबर पर। खुदा इब्राहिम और इसहाक की अरवाह को शाद रखे। कनान के लोगों की हिदायत और ईमान इन्हीं की मेहरबानी से है। आखिरी लम्हात में वो आपको देखने के लिए बेकरार थे। उन्होंने रिसालत आपकी सुपुर्द की है और वसीयत फरमाई कि इब्रानियों की हिदायत की जिम्मेदारी कबूल फरमाएं। इन पाक तनियत हस्तियों से मदद का ख्वास्तगार हूँ और खुदा से रिसालत की इस अजीम जिम्मेदारी की अंजामदही पर मदद तलब करता हूँ। ये कमीज हमारे दादा हजरत इब्राहिम की है, जो हमारे बाबा इसहाक को विरासत में मिली, और अब आप इसके वारिस हैं। आपकी अदम मौजूदगी में बाबा की औलादों में सबसे बड़ी होने की वजह से मैं इसकी अमीन थी, और अब मैं ये अमानत आपके सुपुर्द करती हूँ। बाबा की वसीयत के मुताबिक ये कमीज आपके बाद आने वाले तमाम अंबिया तक पहुंचेगी। इस कमीज को अबाई रिसालत भी कह सकते हैं। मैं और कनान के लोग आपकी बैत करते हैं और हजरत इसहाक के बाद आपको नबी खुदा मानते हैं और आपकी रिसालत की गवाही देते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कमीज बाबा के बाद किसको मिलेगी? जाहिर है जो भी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। गलती पर हो, वो जिसका ईमान सबसे ज्यादा कवी होगा।
भूख लगी है। हमें खाना नहीं दोगी माँ? खाने का क्या होगा, थोड़ा इंतजार करो। क्या बात है? क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ये तो बहुत कम है, यूसुफ को ज्यादा क्यों दिया? चुपचाप अपना खाना खाओ। बस करो लिया, क्या कर रही हो, खुद पर काबू रखो। बिन्यामीन को मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपने बच्चों को खाना खिलाओ। इतने सारे बच्चों का पालना मुश्किल है, लिया हक बजानिब है। अपने सात बेटों और बेटी के साथ राहिल के बच्चों का भी इजाफा हो गया है। मैं फिर कहती हूँ कि मुझे हमेशा ही से साहिब औलाद होने की ख्वाहिश रही, लेकिन यह आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी। मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं रही, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो, राहिल के इस बच्चे को मुझे दे दो। इत्मीनान रखो, मैं इसे अपनी पलकों में छुपा कर रखूंगी। देख रहे हो ना कि लिया बेचारी भी किस कदर मुश्किल में गिरफ्तार हो गई है। तुम्हें यूसुफ और उसके भाई के मुतालिक कुछ सोचना होगा। लेकिन उसकी दूरी को कैसे बर्दाश्त करूं? अगर दूर ले जाऊं तो बर्दाश्त ना करना, अगर इसे हर रोज तुम्हारे पास लेकर ना आऊं तो वापस ले लेना। अगर इसकी मोहब्बत में कमी करूं तो मुझे मत बख्शना, मुझे मौका दो। मैं अपनी जिंदगी के ये आखिरी अय्याम यूसुफ के साथ गुजार लूं। यकीन जानो, इस तरह रखूंगी कि राहिल की रूह भी शाद रहे और तुम्हारा दिल भी। लेकिन फाइका, राहिल से किए गए मेरे वादों का क्या होगा? मैंने जो कसम खाई थी कि उसके बच्चों को माँ की कमी का जरा भी एहसास नहीं होने दूंगी। फायका तुम्हारी कसम को अमली जामा पहनाएगी, यकीनन वो यूसुफ को उसकी माँ से कम अजीज नहीं रखेगी। तुम्हें डर है कि मैं बच्चों की ज्यादती की वजह से यूसुफ का ध्यान नहीं रख पाऊंगी? नहीं, बल्कि मुझे तो खौफ है कि कहीं तुम दूसरे बच्चों को नजरअंदाज करके सिर्फ यूसुफ पर तवज्जो न देने लगो। यूसुफ मेरे बेटे, इधर आओ। बेटा ये बताओ कि तुम अपनी फूफी फायका के साथ जाना चाहोगे? जी बाबा, फूफो फायका एक अच्छी माँ है। मगर तुम्हारी माँ की तरह अच्छी नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी कि मुझमें से तुम्हें उसकी खुशबू आए। शुक्रगुजार हूँ आपकी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जहाँ से ज्यादा इसे अजीज रखूंगी और अपने सीने से लगा कर रखूंगी। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए इसे यहाँ से ले जाओ। इसका मतलब है अब हम यूसुफ से नहीं मिल पाएंगे? ये तुमसे किसने कह दिया? फूफी की जान, ये हर रोज तुम्हारे साथ यहाँ खेलेगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम्हारा खाना, तुम लोगों ने अपना खाना खत्म नहीं किया? ख्याल से।
आज के बाद भेड़े तुम्हारे हवाले हैं। आइंदा मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, मुझे लोगों के मसाइल हल करने हैं जिसके लिए हम कनान आए हैं। ख्याल रखना भेड़ों को कोई खतरा पेश ना आए। घबराए मत बाबा, अब हम बच्चे नहीं रहे। जानता हूँ जानता हूँ, चलो अब जाओ। सलाम फूफो। सलाम फूफो। सलाम मेरी जान। सलाम, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर। बच्चों वो देखो यूसुफ। सलाम फूफो फायका। सलाम मेरी जान, यूसुफ का ख्याल रखना। जी अच्छा। सलाम। नबी खुदा पर सलाम। यूसुफ जल्दी करो, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, जल्दी करो। किसने कहा यतीमी बुरी चीज होती है? कितने खुशकिस्मत होते हैं यतीम भी। अगर यतीम होना इतना ही अच्छा है, तुम सब क्यों नहीं मर जाती? शायद तुम्हारे बनने के बाद तुम्हारे बच्चों को भी ज्यादा तवज्जो मिल जाए। नहीं माँ, बलहा के कहने का ये मतलब नहीं था पुपी। मेरे कहने का मतलब था कि आप काफी अच्छी तरह से यूसुफ की परवरिश कर रही हैं और इसके लिए एक मेहरबान माँ की तरह हैं। रहने दो, तुम्हारी बातों का मतलब मैं खूब समझती हूँ। तुम लोगों को क्या हो गया? यानी जरा सी मोहब्बत भी एक दिन माँ के बच्चे के लिए तुमसे बर्दाश्त नहीं होती? ख्याल रखना बहन, कहीं तुम्हारी यूसुफ से हद से ज्यादा वाबस्तगी और उसको सजाना संवारना उसके भाइयों में हसद का बीज न बो दे। यूसुफ को तुम्हें सौंपने की असल वजह भी लिया कि उससे बेइंतहा मोहब्बत करना ही थी, वो न चाहते हुए भी यूसुफ और उसके भाइयों के दरमियान फर्क कर बैठती थी। जो तुम्हारे बेटों में हसद और कीना का बीज बो रहे हैं वो बला और जुल्फा है, लिया नहीं। खुदा यूसुफ को हासिदों और दुश्मनों के शर और बद नजरों की नजर से महफूज रखे। पता नहीं क्यों उसके लिए दिल परेशान रहता है। परेशानी की कोई बात नहीं, अगर इजाजत दो तो उसे ले जाऊं। जानती हूँ यूसुफ को भूख लगी होगी। यूसुफ जी। आ जाओ बेटा, चलो चले मेरी जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यूसुफ के कपड़े देखे, वो फायका ने इसके लिए सिए हैं। हमारे लिए भी ऐसे कपड़े सियोगी ना? मेरा ख्याल है कि कोई और बात है जो बाबा हमारे साथ नहीं आए। मसला कौन सी बात? यूसुफ, वो यूसुफ के साथ रहना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। वो पैगंबर हैं और उन्हें लोगों के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करने होते हैं। यूसुफ के कपड़े देखे हैं तुमने? देखे, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बड़ा खुशकिस्मत है। लावी यहूदा, चलना नहीं है? आ रहे हैं। चलो चले यहूदा, चलो। उसकी हालत तो और बेहतर हो गई है। बज़ाहिर राहिल की मौत कम से कम यूसुफ के लिए तो बुरी साबित नहीं हुई। कहने को तो तुम भाई हो मगर तुम्हारी बातों से नहीं लगता।
ये पहनो। यहीं रुको। तुम जानते हो ये क्या है? ये मेरे बाबा और तुम्हारे दादा इसहाक नबी का कमरबंद है। मेरी ख्वाहिश थी कि ये उसे दूं जो कार्य रिसालत को जारी रखे। मुझे उम्मीद है कि इसके वारिस तुम ही हो। मुझे ये कमरबंद अच्छा लगा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कमीज और ये कमरबंद मेरे पास अमानत थी। कमीज मैंने भाई को दे दी, ये कमरबंद फिलहाल तुम्हारे पास रहे। इसे कहीं गुम ना कर देना। मैं डरता हूँ कि कोई इस कमरबंद को देखकर नाराज ना हो जाए। मसलन कौन? मसलन मेरे भाई। इसकी तुम फिक्र मत करो। चलो जल्दी करो, हमें तुम्हारे बाबा के दरस में पहुंचना है। चलो। हसद यानी वो नेमत और दौलत और मकाम और मंजिलत जो किसी बंदे को अता हुई है उसकी नाबूदी की आरजू करना। हसद यानी किसी के पास किसी नेमत के होने को बर्दाश्त न करना। हसद यानी दूसरों की कामयाबी और खुशकिस्मती को बर्दाश्त न करना और दूसरों की फुक्र और तंगदस्ती का ख्वाहिशमंद होना। अब तुम में से कोई बताए कि हासिद किसे कहते हैं? वो कमरबंद जो यूसुफ ने बांधा हुआ है वो तो इसहाक नबी का है। फायका ने यूसुफ को क्यों दिया? मेरा ख्याल है ये तो आने वाले पैगंबर के हवाले किया जाना चाहिए था। यानी हासिद का दिल नहीं चाहता कि लोगों के पास कोई नेमत हो। शाबाश, हासिद वही होता है जो तुमने कहा। हासिद हमेशा दूसरों की चीजों को देखकर गमगीन और रंजीदा होता है। देख रहे हो? हाँ, वो मानवी और इल्मी चीजें। कैसा दिखावा और मीठी मीठी बातें कर रहा है। मादी और मालो मताए दुनिया हूं। हसद से बचने का क्या तरीका है ये कौन बता सकता है? इसका जवाब यूसुफ को नहीं आएगा। मेरे प्यारे यूसुफ, क्या तुम्हारे जहन में कुछ नहीं आ रहा? बाबा, क्या हासिद को मालूम है कि इस दुनिया को एक ना एक दिन खत्म होना है? शाबाश बेटा, शाबाश। जवाब यही है जो तुमने दिया। हासिद को चाहिए कि जान ले कि दुनिया किसी के साथ वफा नहीं करती। हासिद को न दुनिया की नेमतें मयसर आती हैं न आखिरत के इनाम। हासिद अपने हसद की वजह से दोनों जहां की नेमतों से महरूम रहता है और उसे कुछ हासिल नहीं होता। ना हासिद ना महसूद, कोई भी इस दारे फानी में बाकी रहने वाला नहीं। अगर हासिद ये जान ले तो अपनी दुनिया को हसद और तंगनजरी की वजह से जहन्नुम में तब्दील न करे। एक बिन माँ के बच्चे से मोहब्बत करना फितरी बात है। क्या जिनकी माएँ जिंदा हों उनसे मोहब्बत ना करना भी फितरी? यानी जिनकी माएँ हों उन्हें मोहब्बत की जरूरत नहीं होती? एक तरफ तो पुप्पो उसे नए नए कपड़े पहनाती हैं और उसे सजाती संवारती हैं, दूसरी तरफ माँ उसे जानों पर बिठाती है और बेहतरीन खाने देती है। हमारे सामने उसकी हिफाजत जाहिर करते हैं लेकिन बाबा उसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे आपस की बात है, हमारा भाई यूसुफ है ही इतना समझदार और शीरी जबान। उसका मासूम चेहरा वाकईतन चाहे जाने के काबिल है। हम सभी अपने भाई यूसुफ को चाहते हैं लेकिन गलती तो हमारे वालदेन की है ना। वो क्यों यूसुफ से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? तुमने हमारे दादा इसहाक का कमरबंद और बाजूबंद देखा जो यूसुफ ने बांधा हुआ था? हाँ, बल्हा कह रही थी कि ये अंबिया की मीरास है और बाद में आने वाले पैगम्बर को मिलनी चाहिए,
तो फिर पप्पो फायका ने वो यूसुफ को क्यों दिया? ये तो पप्पो से भी पूछा जा सकता है। वक्ते गुरूब जब गल्ला वापस लेकर चलेंगे तो फिर पप्पो के पास चलेंगे। भाइयों पत्थर, चलो आजमा के देखते हैं। मैं तुम सबको हरा दूंगा। ये लो, यहूदा ने फिर वही शुरू कर दिया। जो जीतेगा वही पापा का जानशीन होगा। चलो शाबाश, जोर लगा। नहीं उठा सकते। जो जीतेगा वही बाबा का जानशीन होगा। शाबाश, जोर लगा। और क्या बात है, अब तुम कोशिश करो। तुम उठाओ, शाबाश। सलाम खाला। सलाम जुल्फा। सलाम, कहाँ जा रहे हैं? गल्ले को बाड़े में छोड़ेंगे, फिर हम फुप्पो फायका के पास जाएंगे। दरअसल हमें उनसे कुछ काम है। हमें भी उनसे बहुत कुछ पूछना था और अभी हम वहीं से आ रहे हैं। मेरे ख्याल में यूँ बिना बताए तुम्हारा फुप्पो के घर जाना ठीक नहीं। तुम्हारे बाबा फुप्पो फायका के पास हैं। वो यूसुफ से मिलने गए हैं और ये सब देखकर तुम लोगों को शायद अच्छा न लगे। क्यों, वहाँ ऐसा क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। ये कौन सा मुश्किल काम है? आ जाओ। देखा बाबा यूसुफ को हम सब से ज्यादा कितना चाहते हैं। यहूदा फजूल बातें मत करो। जब हम छोटे थे तो बाबा के जानों पर इसी तरह बैठते थे और वो इसी तरह मोहब्बत करते थे। बलहा और जुल्फा इसीलिए कह रही थी कि फुप्पो फायका के पास यूं ही अचानक मत जाना। फजूल बातें मत करो, मैं तो जा रहा हूँ। यहीं रुको बेटा। सलाम बाबा। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों। सलाम खानदान याकूब के मर्दों। जीते रहो मेरे बच्चों। तुम लोग कब लौटे? बस अभी अभी भेड़ों को बाड़े में छोड़ा और यहाँ आ गए। ताकि ताकि क्या? हम आए हैं ताकि फायका फुप्पो से कुछ बातें कर सकें। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। फुप्पो, ये कमरबंद हमारे दादा इसहाक नबी का है ना? हाँ ऐसा ही है, लेकिन यूसुफ के लिए सिर्फ एक खिलौना है। मैंने सोचा कि यूसुफ इसमें मशगूल होकर अपनी माँ के गम को भूल जाए। लेकिन बिलहा कह रही थी कि ये कमरबंद गुदिश्ता नबी की मीरास है और इसे बाद में आने वाले नबी को मिलना चाहिए। इसहाक नबी के बाद मैं नबी हूँ। ये कमरबंद मेरे लिए बाबा की मीरास और यूसुफ के लिए एक खेलने और मशगूल रहने का वसीला है। बलहा और जुल्फा जब तक राहिल जिंदा थी उसे हसद करती थी, अब जबकि वो नहीं रही तो उसके बच्चों से हसद करती है। उनकी बातों पर कान मत धरा करो। बाबा, यहूदा कह रहा था कि आप यूसुफ को हमसे ज्यादा चाहते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन आज आप यूसुफ से मिलने आए हैं। उसे अपने जानों पर बिठाया हुआ था। तुम लोगों को भी बचपन में अपने जानों पर बिठाता था। अगर तुम लोग भी मुझसे दूर होते तो तुम्हें भी देखने के लिए आता। मैं तुम सबको चाहता हूँ। मैं मजीद ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता हूँ। चलो चलो, मैं तुम लोगों को घर के मर्द और अपना दस्त बाजू समझता हूँ, और एक तुम लोगों के एक छोटे से कमजोर बच्चे से बराबरी करते हो। खुदा हाफिज बहन। फायका पप्पो, बाबा से कहिए कि वो मुझसे मोहब्बत ना किया करे। क्यों बेटा? इसलिए कि मेरे भाई नाराज होते हैं। मेरी जान,
तुम्हें माँ की मोहब्बत तो मिली नहीं, क्या आप बाप की मोहब्बत से भी महरूम रहना चाहते हो? चलो छुप जाओ, जल्दी करो, जाओ छुप जाओ। सब लोग छुप गए, मैं 20 तक गिनती हूँ। जाओ ढूंढो उन्हें। लेकिन अभी तक यूसुफ को नहीं ढूंढा। यूसुफ, पता नहीं यूसुफ कहाँ चला गया। यूसुफ, यूसुफ खेल खत्म हो गया, बाहर आ जाओ। कहाँ हो तुम यूसुफ? कहाँ हो तुम यूसुफ? कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। कहीं छत पर तो नहीं है? फाइका पुप्पो और बिस्मा के पास तो नहीं गया? तुम लोग नीचे ढूंढो यूसुफ। बिस्मा, यूसुफ को तो नहीं देखा? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? यूसुफ गुम हो गया है, यहाँ तो नहीं आया है। क्या हुआ? यूसुफ गुम हो गया है। गुम हो गया? तुम कहाँ थे जो गुम हो गया? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था? वो छुप गया था और अब मिल नहीं रहा है। सब जगह देख लिया है? हाँ, सब जगह देख लिया। वो मेरे भाई की अमानत है। आओ देखो, कहाँ खेल रहे थे जब गुम हुआ। यूसुफ, यूसुफ, पप्पा की जान, कहाँ हो?
छत पर तो नहीं है।